Hello friend, welcome to Get Tutorial. Today we are going to discuss about iron carbon diagram part 2. जिसमें आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आज टॉप 10 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और जल्दी पार्ट 2 आएगा जिसमें भी टॉप 10 करके दो तीन सीरीज, तो उस प्रकार से 30-40 क्वेश्चन आयरन कार्बन डायग्राम से करवा देंगे। इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम हो जाए, इसरो, DRDO, बार्क, SSC, JEE, कोई भी एग्जाम, इससे बाहर आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा तो इन सारी सीरीज़ को आप देख लेंगे, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड। और फ्रेंड, आपको मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन बिल्कुल नहीं, तो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नहीं तो आप अपना कमेंट में अपना राय दे रहे हैं कि कैसा लग रहा है वीडियो, तो राय ज़रूर दें फ्रेंड, ताकि हमें अपना और इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिले। ठीक है फ्रेंड, तो आज तो बिल्कुल ही आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आयरन कार्बन डायग्राम को और क्या नाम से जाना जाता है। आयरन कार्बन डायग्राम को एक और नाम से जाना जाता है, वो तो उस नाम को कहते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम बोलें या फिर इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलें, दोनों का मतलब एक ही है फ्रेंड। लास्ट वाला वीडियो का आंसर मिल गया आपको। आज भी मैं आप वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज तो ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड, जो भी आए ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले वीडियो आप तक पहुंच रही है, आपको कैसे लग रही है, ये सब तो हमें और इम्प्रूव करना हो तो हमें पता चले। ठीक है फ्रेंड, तो आज बिल्कुल भूलिएगा मत। चलिए, तो आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं आज। आयरन कार्बन डायग्राम का पार्ट 1 डिस्कस होगा जिसमें टॉप 10 प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी टॉप 10 करके दो तीन सीरीज आएंगे, तो उस प्रकार से टोटल 20-30 क्वेश्चन करवा देंगे, इससे 30 क्वेश्चन लगभग, तो उसके बाद इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आयरन कार्बन डायग्राम से आएगा। और ये डायग्राम अगर लास्ट वीडियो आप नहीं देखें तो पक्का जरूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें डायग्राम अच्छे से समझाया गया है और वो डायग्राम हमेशा इंटरव्यू में पूछ देता है, या फिर वो डायग्राम आपको याद रहेगा तो ये सब जो अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये बिल्कुल एकदम ऐसे ही चुटकियों में आप उड़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उस जो डायग्राम था उसको मैं डीपली अध्ययन करके बताया हूँ मैं आपको, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें, पिछला वाला वीडियो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन इज, मतलब प्योर आयरन है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो आप अगर आयरन कार्बन डायग्राम वाला लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर जो डेल्टा आयरन वाला रीजन था उसमें 1539 डिग्री पर टॉप मोस्ट टेम्परेचर था, वही होता है प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन व्हेन कार्बन परसेंटेज 4.1% कितना डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड। तो ये देखिए, इसमें तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे अगर आपको लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल आप लास्ट वाला वीडियो देख के आइए अगर नहीं देखे हैं तो, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, एक लाइन होता है यहाँ पे 723 वाला, यहाँ 748 वाला, तो यहाँ से ए वाला लाइन बनता है फ्रेंड, ए वाला लाइन यहाँ आता है, ए वाला यहाँ तक आता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ के बाद इधर चला जाता है 6.67%, तो यहाँ पे 4.2% यहीं पे होता है फ्रेंड, 4.2% कार्बन परसेंटेज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर वाला रेंज होता है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको 1148 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रेंज दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आयरन कार्बन डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल नहीं है फ्रेंड, अगर आप देख लीजिए, मैं आपको अभी बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे खींचें, पहले एक 723 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन खींच लें, उसके बाद 1148 वाला लाइन खींच लें, उसके बाद यहाँ पे 1492 डिग्री वाला लाइन खींच लें, और 1492 डिग्री से एक ऐसे लाइन यहाँ ऐसे खींच लें, उसके बाद यहाँ से यहाँ मिलाएं, उसके बाद यहाँ से यहाँ मिला दें फ्रेंड, यही होता है 6.67% वाला। और उसके बाद जो इस पॉइंट पे आप अगर यहाँ से जो ले गए इस पॉइंट पे, इधर कहीं बीच में जाता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से फिर यहाँ मिलाते हैं और ये 910 डिग्री से लेके इतना मिल जाता है फ्रेंड। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। तो यही आयरन कार्बन डायग्राम अप्रॉक्स आपका बन गया एक, देखिए ये वाला होता है, ये इतना दूर तो नहीं होता है क्योंकि 0.025% मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी यहाँ पे होता है।
ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे बन गया आयरन कार्बन डाइऑक्साइड, रफली आपको मैं बना दिया। यहाँ पे आयरन, यहाँ पे गामा हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, यहाँ लिक्विड प्लस गामा हो जाएगा, यहाँ डेल्टा आयरन हो जाएगा, यहाँ अल्फा आयरन हो जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको पिछला वीडियो देखिए बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है फ्रेंड, तो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ व्हेन 4.21%, तो मैं आपको अभी बताया कि 4.1 पे कितना रहता है, 1148 डिग्री सेल्सियस, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटेक्टोइड रिएक्शन ऑकर्स एट डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस पे यूटेक्टोइड रिएक्शन, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है, पहले वाला लाइन पे, वहीं पे हमारा यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन परसेंटेज कितना होता है फ्रेंड, 0.83% होता है। आगे क्वेश्चन भी आएगा तो यहाँ पे भी देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूटेक्टिक रिएक्शन ऑकर्स एट, यूटेक्टिक रिएक्शन कितना होता है फ्रेंड, तो वही जहाँ पे 1148 डिग्री वाला रेंज है, जहाँ पे 4.2% कार्बन परसेंटेज होता है, या फिर कहीं कहीं 4.3 भी देता है, तो यहीं पे होता है यूटेक्टिक रिएक्शन। तो उसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है फ्रेंड, तो सी आंसर सही हो जाएगा, 1148 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरीटेक्टिक रिएक्शन ऑकर्स एट, तो पेरीटेक्टिक कहाँ पे होता है फ्रेंड, सबसे टॉप मोस्ट, मतलब टॉप मोस्ट से थोड़ा सा नीचे 1492 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे होता है, वहीं पे हमारा 0.18% जहाँ कार्बन होता है, उसी जगह पे हमारा पेरीटेक्टिक रिएक्शन होता है। तो कितना हो गया, 1492 डिग्री सेल्सियस और 0.18% कार्बन होगा, यहाँ पे हमारा पेरीटेक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेक्टोइड रिएक्शन अकर्स एट कार्बन परसेंटेज, तो मैं अभी आपको बताया कि 0.83% कार्बन रहता है, वहीं पे यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है, और 723 डिग्री सेल्सियस इस जगह पे टेम्परेचर रेंज होता है फ्रेंड, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन अकर्स एट, तो यूटेक्टिक रिएक्शन मैं अभी आपको बताया कि 4.2 या 4.3 कह दे वहाँ पे होता है, और टेम्परेचर रेंज होता है कितना फ्रेंड, तो 1148 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर रेंज फ्रेंड, यहीं पे क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीटेक्टिक रिएक्शन ऑकर्स एट, तो पेरीटेक्टिक रिएक्शन कितना होता है, तो इस ये वाला अभी मैंने आपको बताया कि 0.18% कार्बन यहाँ पे रहता है, और टेम्परेचर रेंज कितना हो रहता है फ्रेंड, तो 1492 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है फ्रेंड, इतना सारा कुछ क्लियर है, आप तो लाइक कर दो भाई, इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, और अपना राय जरूर दें ताकि मुझे पता चला कि आपको कितना हमारे वीडियो से लाभ हो रहा है, ये सब कुछ तो बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम सोलिबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन इज, डेल्टा आयरन में कितना मैक्सिमम सोल्यूबल होता है कार्बन परसेंटेज, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये 1439 से 1400 डिग्री तक ये वाला लाइन आता है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर इन 1492 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा कार्बन डिजॉल्व होता है, वो कितना होता है, 0.10% कार्बन डिजॉल्व होता है, और इसे थोड़ा आगे जाके इस पॉइंट पे हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, इस पॉइंट पे हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, तो इस पॉइंट पे होता है पेरीटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड, इतना सारा कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिंगर प्रिंट लाइक स्ट्रक्चर, तो आपको बताना है कि फिंगर प्रिंट लाइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो आप अपना राय जरूर दें, या बोल दें कि सर मतलब भाई मेरे को नहीं आया, आप बता दो, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करूँगा, पूरे डिटेल के साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करके जाएँ, अपना कमेंट में अपना राय दे करके जाएँ, ताकि मैं क्या वीडियो में इम्प्रूव करूँ वो मुझे पता चले, और आप कितना प्राप्त कर पा रहे हैं मेरे वीडियो से वो मुझे पता चले। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर आपको देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिंगर प्रिंट लाइट स्ट्रक्चर, कि मार्टेसाइट, लीडेवराइट, सीमेंटाइट या पेयर लाइट, इतना सारा कुछ चार ऑप्शन है। अब तो आप बता ही दो कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियो में, ताकि आप बोल दो कि मैं, तो आप एक कर दोगे तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करूँगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन्जॉय योर लाइफ। अगर आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करें तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप वीडियो देखते जाएं फ्रेंड, एक एक करके, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और तैयारी कभी एक ही बार नहीं होता है फ्रेंड, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते जाएं, आपको ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी फ्रेंड।
जो कि मैं भी अभी उसी राह पे चल रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते जाएं। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें और शेयर तो ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला बने। लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्जॉय योर लाइफ। हैव ए नाइस डे।